हमारे शास्त्रों में हमेशा से आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हम बात करेंगे आपसे आयुर्वेद के विषय में। चरक संहिता ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर ऋषि मुनियों के काल से ही लोगों की बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से हो रहा है। यहाँ तक कि आज भी आयुर्वेद की प्रणाली उतनी सक्षम, उतनी ही प्रवीण है जितनी पूर्व में हुआ करती थी। पिछले दिनों से आप सभी लोगों ने देखते रहे होंगे कि अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। वो मुद्दा बाबा रामदेव जी की पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। उन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा सी चल रही है। आज हम उस प्रतिस्पर्धा पर, उस बातों पर बातचीत करेंगे। हमने अपने यहाँ कुछ पैनल डिस्कशन के लिए कुछ गणमान्य लोगों को बुलाया है। आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से, कौन कौन लोग हैं हमारे साथ। डॉक्टर दिनेश विश्वास जी हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद पर काम करते हैं, आयुर्वेद से ही लोगों का इलाज करते हैं। हमारे साथ निशान जी हैं, निशांत अग्रवाल जी, जो कि पतंजलि का स्टोर चलाते हैं और पतंजलि के दवाई के इनके यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्टोर है। यहाँ पर वैद भी बैठते हैं और लोगों का इलाज भी होता है। और साथ साथ हमारे साथ मयंक जी हैं, मयंक सक्सेना जी, जो कि MBBS हैं और एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। तो इन तीनों गणमान्य लोगों से हम आपकी बातचीत कराते हैं और आज हम आपको वो सारी बातों पर बात रखने की चेष्टा भी करेंगे जो अब तक काफ़ी दिनों से फिजा में चारों तरफ चल रही हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर दिनेश विश्वास जी से बात करते हैं और डॉक्टर दिनेश विश्वास जी से जानते हैं कि आयुर्वेद का इंडिया के अंदर उद्भव कैसे हुआ और आयुर्वेद तब से लेकर अब तक आयुर्वेद में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद हमेशा से ही लोगों का इलाज है, ये सब तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या ये उतना ज़्यादा सक्षम है तब में और अब में? क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कितना बदला है आयुर्वेद, और क्या हमारे शरीर को आयुर्वेद की आवश्यकता है, और है तो कितनी है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो आयुर्वेद है उसका जो उद्भव हुआ है, कहा जाता है कि जो अथर्ववेद है उसका उपांग वेद आयुर्वेद है, कि उसके जो लास्ट में सारा चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में ही पूरा बताया गया अथर्ववेद में। और पौराणिक काल से ये मान्यता है कि जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने सबसे पहले इस चिकित्सा विधा को लेके आए देवताओं की चिकित्सा के लिए, और वहाँ से उस पौराणिक काल से लेकर के, और जो हम चरक संहिता जिनका आपने उल्लेख किया, 3000 वर्ष पूर्व चरक संहिता में हमारी हर तरीके से एक माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक का सॉल्यूशन दिया गया है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि उस समय पे और इस समय पे, हाँ, देश काल और जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, जो हमारे पांचों जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पहले जैसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय पे चरक संहिता लिखी गई उस समय का वायुमंडल कितना स्वच्छ रहता होगा, और उस समय पे इस चीज़ का हमारा वर्णन है कि कौन कौन सी हर्ब्स कौन कौन सी बीमारियों पे काम करती है। आज भी वो हर्ब्स अवेलेबल हैं। तो हम जो सिद्धांत हैं हमारे, अगर मैं बात करूं, महर्षि सुश्रुत ने बोला कि किसी भी व्यक्ति की स्वस्थ की गणना हम तभी कर सकते हैं जब वो हर लेवल पे स्वस्थ हो, जो कि आज के टाइम पे जो WHO का हेल्थ का क्लासिफिकेशन है उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने बोला सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय में न स्वस्थिति विदिते, यानी कि वो हर लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं। अगर हम शारीरिक लेवल की बात करें तो हमारा दोष जो है, हमारा जो शरीर है उसमें दोष हैं, तो वो कहते हैं कि दोष सम अवस्था में रहना चाहिए। आपकी अग्नि जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो सम अवस्था में रहनी चाहिए। आपके जो मल हैं, हमारा जो धातु है, धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल की अगर मैं बात करूं तो जो सोएद उत्पन्न होता है, मूत्र उत्पन्न होता है, और जो हमारा स्टूल उत्पन्न होता है, विड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब सम मात्रा में होनी चाहिए। जब ये फिजिकल लेवल पे सब सम होंगी, उसके साथ प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, यानी कि आपकी आत्मा, आपकी इंद्रिय, आपके मन जब तक प्रसन्न ना हो तब तक स्वस्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। आज 3000 वर्ष के बाद WHO का भी अगर आप हेल्थ का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि हेल्थ के किस बंदे को आप हेल्दी बोल सकते हैं, तो वो भी कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल अगर वो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हेल्दी है तभी हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा आयुर्वेद है उसको बोला गया है कि वो शाश्वत है, ऐसा आया है शास्त्रों में वर्णन कि वो शाश्वत है, वो अनादित्वात है। अनादित मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ऐसा जो आयुर्वेद है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पौराणिक काल से लेके आज हम कलयुग में हैं, तो उस सब पेक्ष में अगर हम एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कंपेयर करते हैं तो उसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो 200 साल पुराना है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो पौराणिक काल से लेके वहाँ पे भी फिट था, और आज इस कलयुग में हम लोग हैं वहाँ पे भी फिट है।
तो डॉक्टर साहब बात ये आती है कि आयुर्वेद में लगभग सभी बीमारियों का इलाज है, क्योंकि एलोपैथिक तो ये कहता है कि हमारी सारी बीमारियों का इलाज क्या आयुर्वेद में है, ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो कॉन्स्पिरेसी कह लें या इंसिडेंट कह लें, ये दुर्भाग्य है कि अभी जो आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद आज से, जब मैं पढ़ता था 2004 में, मैंने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, जब उसमें एडमिशन लिया था तो आयुर्वेद को चूर्ण चटनी और इस तरीके के बोला जाता था कि इस तरीके की चिकित्सा होती है। जितना एक हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम मिली है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाबा रामदेव का, उन्होंने योग और आयुर्वेद के माध्यम से बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि हर बीमारी को क्या ठीक कर सकता है, हर बीमारी, हम लोग बीमारी के बारे में सोचना ही एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बेमानी है। हम सिर्फ हेल्थ कि हमें जो हमारे पास रोगी आया है उसको हम हेल्दी बना लें। अगर आयुर्वेद के प्रयोजन की मैं बात करूं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति का प्रयोजन क्या था, तो उसके दो ही प्रयोजन हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ की रक्षा करना है और आतुरस्य यानी कि जो रोगी है उसके विकार यानी कि रोगी का रोग को दूर करना है, ये दो मुख्य प्रयोजन है आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद को अगर एक चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको हम लोग संकीर्ण एक मानसिकता से सोच रहे हैं, जबकि आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है कि आपको अहोरात्रि यानी कि पूरे दिन भर में आपको कैसा अपना दिनचर्या रखनी है, कैसी आपकी रात्रिचर्या होगी, फिर उसके बाद हर ऋतु में आपका क्या क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए। जो 6 ऋतु हैं, अभी जैसे मैं बात करूं, अभी हम लोग वसंत ऋतु से होके आए हैं और सबको ही गला खराब होना, खांसी, जुकाम, ये सब, क्योंकि उस वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और ये पहले ही बता दिया गया है हमारे शास्त्रों में कि इस ऋतु में आपको कफ जनित व्याधि होंगी। अभी वर्षा ऋतु आ रही है, पहले से ही बता दिया गया कि इसमें वात जनित व्याधि होंगी, तो आपको वात को कंट्रोल में रखना है। उधर शरद ऋतु में जब हम जाते हैं तो वहां पे पहले से ही वर्णित है कि आपको पित्त जनित व्याधि होंगी, तो आप पित्त आहार विहार मत करो और कुछ ऐसा आप अपने दिनचर्या में वो करो, फॉलो करो कि आपका पित्त कंट्रोल में रहे। तो इस माइक्रो लेवल तक की बातें हमारे आयुर्वेद में है। तो ये कहना कि हर बीमारी का, मैं कहता हूं हां हर बीमारी का इलाज है, लेकिन समय रहते अगर वो पेशेंट है, अगर कोई एडवांस स्टेज में आता है तब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता। और मैं ये दुर्भाग्य मानता हूँ पेशेंट का भी और हम वैद्यगणों का भी, कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एडवांस स्टेज में ही आते हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ करने के लिए बहुत समय नहीं रहता है, क्योंकि हम प्रकृति पे काम करते हैं। हर पेशेंट अलग अलग होता है। अगर मेरे पास आप 3 बीपी के पेशेंट लेके आओगे तो हो सकता है कोई वात से उसका बीपी बढ़ा हो, किसी का पित्त से भी बीपी बढ़ा हो, किसी का कफ से बीपी बढ़ा हो, तो हर पेशेंट अलग, उसकी प्रकृति अलग, तो उसकी चिकित्सा भी अलग हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी रोगी को या फिर रोग को 100% ठीक होने का दावा ना मैं करता हूँ, ना मेरे जो साथी एलोपैथिक जितने मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथी, वो लोग भी दावा नहीं करते। हम लोग ऐसा वैद्यगण होने के नाते, ऐसा डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसमें पेशेंट की डिपेंड ये करता है वो हमारे किस स्टेज पे आया है हमारे पास। हम लोग सिर्फ वही करते हैं जो सुश्रुत जी ने बोला है, महर्षि सुश्रुत ने, कि हम उसका अग्नि ठीक करते हैं, हम उसके दोष को साम्यावस्था में लेके आते हैं, हम उसका मल मूत्र साम्यावस्था में लेके आते हैं, धातुओं को साम्यावस्था में लेके आते हैं और प्रसन्नित आत्मेंद्रिय मना कर देंगे, तो पेशेंट को और क्या चाहिए। अगर इंडियन, मैं 13-14 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, अगर मैं पेशेंट की मेंटलिटी की बात करूं तो उसको अगर नींद अगर ठीक से आ रही है, उसको भूख अगर ठीक से लग रही है और उसको मल मूत्र अच्छे से त्याग हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हमारे इंडियन कम्युनिटी सिस्टम में पेशेंट को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है, लेकिन पेशेंट किस स्टेज पे आता है वो डिपेंड करता है। तो आइए एलोपैथिक के हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, मयंक जी से। मयंक जी, ये जो सवाल था मेरा कि क्या आयुर्वेद से सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, सेम वही सवाल आपके लिए है, लेकिन आपका दूसरे तरीके से। क्या जैसे इन्होंने कहा कि पेशेंट्स हमेशा लेट आते हैं, बहुत मतलब 11th hour में आते हैं, आदमी की एक आदत होती है जब पूर्ण रूप से बीमार ना हो जाए, जब तक मतलब बीमारी उस पर हावी ना हो जाए तब तक वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते। आपके पास तो दिन भर ऐसे पेशेंट तमाम आते होंगे, क्या कभी आपको लगता है कि कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो आयुर्वेद से इलाज लंबे समय से करा रहे हैं और ठीक नहीं हो पाए हों, तो वो एलोपैथिक की शरण में आए हों? तो इस तरह के रोगों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा, कि क्या आप भी मानते हैं कि एलोपैथिक की दवाइयाँ ही बेस्ट हैं और वो हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं? देखिए, यहाँ पे जो बात आई आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दोनों पैथी डिफरेंट हैं, दोनों पैथी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और दोनों पैथी के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग है।
अगर मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जो बेसिकली आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हुए मेरे पास आ रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले मुझे सोचना है उसने ट्रीटमेंट किससे लिया है। क्या वो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर था, क्या उसने उसकी सारी बातें मानी है, प्रॉपर उसने ट्रीटमेंट लिया है। आयुर्वेदिक, जैसा बॉस ने बहुत अच्छा बताया है, अभी इमिडिएटली वर्क नहीं करेगा, वो आपके रूट कॉज पे काम कर रहा है। इमिडिएट वर्क हमारी एलोपैथी करेगी, एक्सट्रीम कंडीशंस में, एडवांस कंडीशन के लिए एलोपैथी है। अगर कोई पेशेंट ऐसा मेरे पास आ रहा है जिसने बेसिकली प्रीवियसली आयुर्वेदिक मेडिसिन ली है और उस पर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो मेरा काम है पहले उसका रूट कॉज ढूंढना कि ऐसा क्या है जहाँ पे जो है उस पर वर्क नहीं हो रहा है। फर्दर मुझे अपनी एलोपैथी में मैं उसको जो है किस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। बेसिकली एलोपैथी हम हर चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हमसे छूटी हुई है। इवन एडवांस डिजीज़ में भी, एडवांस स्टेजेस में भी हम जो है सभी बीमारियों में डील कर रहे हैं। तो ये अगर बात करेंगे आप एलो वर्सेस एलोपैथी की और आयुर्वेदिक की, तो मुझे सबसे पहले जो है उसका रूट कॉज ढूंढना है। तो फर्दर अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा रहता है, हम बेसिकली उसको जो है ट्रीट करते हैं और अच्छा रिजल्ट जो है रहता है। और सेकंड क्वेश्चन आपका मैं थोड़ा सा भी भूल रहा हूँ जो था, मतलब लगता है कि आपको कि बीमारियाँ लगभग सारे के सारे एलोपैथिक उस पर काम करता है। बिल्कुल, आपके पास जितनी भी बीमारियाँ हैं सभी बीमारियों के लिए एलोपैथी इस समय जो है कैपेबल है उनको ट्रीट करने के लिए। इवन हमारे पास अगर एडवांस स्टेज में पेशेंट रहता है तो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, एडवांस सेंटर्स हैं, और उनके सारे पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट मिल रहा है। इवन अगर आप कैंसर की भी बात करेंगे तो कैंसर में भी हमारे पास जितनी भी पेशेंट आते हैं, हम उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जो भी एडवांस स्टेजेस रहती हैं, इवन सर्जरी वगैरह, तो उसमें सारे पेशेंट्स को जो है ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं एडवांस डिजीज़ की कि हम जो है सारी बीमारियाँ ट्रीट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अगर आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्लैश रहता है वो क्लेम किया जाता है लिवर डिजीज़ के लिए एंड किडनी डिजीज़ के लिए। अगर आप भी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे तो उसमें होता है कि इन दवा का सेवन करें और एलोपैथी को छोड़ें, तो उसमें उन पेशेंट्स पे ऐसा रहता है कि अगर वो एडवांस डिजीजेस में जो है, ऐसे बॉस ने भी बताया है कि वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, उसके लिए अगर आपका क्रिएटिनिन एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपको डायलिसिस की नीड पड़नी ही है। लेकिन ये जो पैथी है, अगर मैं सबसे पहले आयुर्वेदा को लेकर चलूँगा, तो अब वो रूट कॉज पे वर्क कर रहा है। अगर हम उस कॉज को जो है वहाँ से हटा देते हैं तो श्योर शॉट कुछ ना कुछ पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बट अगेन हम वहाँ पे आते हैं, क्या सभी लोग उस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं कि वो हमें प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। बेसिक हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमने दवा ली लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर उसमें मैं जो है रिसर्च करता हूँ कि तुमने किससे दवा ली, क्या दवा ली, तो वो जेन्यून आयुर्वेदा जो है उनको ट्रीटमेंट मिला ही नहीं होता है। बेसिक उन्होंने या तो किसी क्वैक से ट्रीटमेंट लिया होता है या किसी अनट्रेंड प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लिया होता है, या उन्होंने जो है सोशल मीडिया रील्स या फिर जो है किसी ने उनको कुछ बता दिया कि इसको ट्राई कर लो, या ये तुम आयुर्वेदा के नाम पे कि 10 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में उनको ट्राई कर लो, तो अधिकतर जगह जो है ये देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एक खास बात जो अभी डॉक्टर साहब ने कही, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि सोशल मीडिया पर देखकर, यूट्यूब्स पर देखकर जितनी भी बीमारियों के इलाज बताए जाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक के थ्रू बताए जाते हो या एज वेल एज आयुर्वेद के थ्रू बताए जाते हैं, उन पर भी ध्यान ना दें, क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, चाहे आप एलोपैथिक वाले डॉक्टर से करा रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक वाले से करा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। अब आप हम बढ़ते हैं आज के अपने मेन हेड की तरफ, यानी कि वो समस्या जो पिछले काफ़ी दिनों से क्षेत्र में चल रही है, पूरे देश में चल रही है और एक हॉट केक बनी हुई है आज के समय में, लोगों का ध्यान आकर्षित करा रही है। बाबा रामदेव जी से का एक विवाद हुआ है कोर्ट के साथ, कोर्ट वर्सेज बाबा रामदेव जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा से चल रही है, और बाबा रामदेव जी को आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सालों से इनकी दवाइयाँ खाई हैं, पतंजलि इनकी कंपनी है, तो बरेली में पतंजलि का स्टोर चलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं, निशान जी से, और उनसे चर्चा करते हैं। निशान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशान जी, ये पतंजलि बड़ा ब्रांड है, बाबा रामदेव जी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया जो पतंजलि पर उंगलियां उठने लगी? हम सब बचपन से देख रहे हैं, मतलब काफ़ी साल से देख रहे हैं, एटलीस्ट 10-20 साल से हम लोग पतंजलि को यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी करी है, सभी लोगों ने करी है, क्या हुआ ये विवाद, कैसे उठा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि स्वामी रामदेव जी ने जो किया है वो उन्होंने जो हमारी पुरानी एंशिएंट साइंस थी, जो हमारी विधा थी, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, वो जो सारी हमारी ग्रंथों में थी, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उनको पब्लिक के सामने बहुत ही सुविधापूर्ण, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने लेकर के आए। पहले उन्होंने योग के माध्यम से लोगों को घर घर
अपने घर पर बैठ करके निःशुल्क आपको थोड़ा सा प्रयास के द्वारा, अनुलोम विलोम, कपाल भाति के द्वारा आपको कैसे अपने आपको स्वस्थ रखना है इसके बारे में जानकारी दी। तो स्वामी रामदेव जी ने इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया कि ये जो आयुर्वेद था, इस आयुर्वेद को एक रेगुलराइज करने के लिए और इसको सिस्टमिक तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो ये अभी एक आयुर्वेद का सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता था, जिसके ऊपर विश्वास करने का एक आयुर्वेद के नाम पर, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों के मन में एक मिथ था कि मुझे कौन सी चूर्ण दे दे, कौन सी चटनी दे दे, उसमें क्या मिला दे, तो इस मिथ को तोड़ते हुए उन्होंने पूरी इस आयुर्वेद को एक प्रॉपर सिस्टम के तहत, पूरी एक आधुनिक मशीनों के द्वारा और पूरी टेस्टिंग के द्वारा, और यहाँ तक कि उन्होंने एक आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, जो लगभग मेरे ख्याल से 200 या 250 करोड़ रुपए की एक रिसर्च लेबोरेटरी उन्होंने पहली बार आयुर्वेद पे उन्होंने हरिद्वार में और अपने ही संसाधनों से बनाई, जिसके अंदर हर दवाई का, हर बीमारी का देश के नामी साइंटिस्टों के द्वारा उनका पूरा रिसर्च करा गया और उसका पूरा डेटा निकाला गया, वो पूरे वर्ल्ड वाइड कई पेपरों में पब्लिश करा गया, और उसके बाद जो उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसके पास उनके पूरा का पूरा उनके पास डेटा है, हर चीज़ का वो डेटा अपने पास, पूरी हर डिजीज़ का, हर मेडिसिन का जो आज वो अपने फैक्ट्रियों में या अपनी फार्मेसी में बना रहे हैं उसका डेटा उनके पास पूरा है, और उस मेडिसिन से, उन दवाइयों से कितने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ उसका पूरा उनके पास रिसर्च है, वो उन्होंने पब्लिक के सामने लेकर के आए। मगर चूंकि अभी आयुर्वेद पर स्वामी रामदेव जी एक, मैं ये कहूंगा कि एक अपने एक अलग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि एक WHO जो पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके अंदर जितने भी पूरे वर्ल्ड के विकसित देश हैं वो सब अपने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का फंड उसके अंदर भेजते हैं, बट वो सारा का सारा फंड केवल एक पैथी के विकास के लिए, एक पैथी के डेवलपमेंट के लिए होता है, वहाँ पे कहीं पर भी आज तक एलोपैथी आयुर्वेदिक का कहीं पर भी कोई उसके वहाँ पे उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया। तो मगर मुझे इस बात को कहते हुए, आपके दर्शकों के सामने कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कई सालों के बाद, देश के आज़ादी के इतने सालों के बाद, सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया और एक उन्होंने आयुष मिनिस्ट्री अलग एक डेवलप करी और आयुष मिनिस्ट्री का एक अलग स्थापना करी, ताकि जो हमारे आयुर्वेद, जो उसका ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति हमारे ही ऋषि मुनियों के द्वारा भारतवर्ष में ही हुई है, उसको पूरे विश्व में विद डेटा, विद क्लिनिकल ट्रायल, विद सबूतों के द्वारा किस तरीके से उसके पूरे देश में, पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है। ये आप दर्शक इस बात को खुद ही देखते हैं। और इस आयुर्वेद में एक जो बहुत बड़ा, जिसको मैं कहूँगा कि एक ट्रिमेंडस चेंज, वो आज किसी को बताने की या किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, जो स्वतः ही प्रूफ हो चुकी है। भारतवर्ष हमारा सबसे बड़ा पूरे विश्व में आबादी का देश है, और कोविड में साफ जानते हैं कि जो वैक्सीन, जो दवाइयां पूरे विश्व में उपयोग हुई, वही हमारे भारतवर्ष में भी उपयोग हुई। मगर सबसे बड़ी आबादी का देश होने के नाते भी हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो कोविड से जो डेथ्स हुई हैं, वो रेशियो सबसे ही ज़्यादा कम था। तो क्या इसके पीछे आयुर्वेद नहीं था क्या? क्या इसके पीछे ये बात किसी को बताने की या ये बात किसी को भी अब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद की छुपी हुई ताकत के माध्यम से अपने ही घरों में आयुर्वेद से अपने आप को ठीक कर लिया। काढ़े बना बना के, जड़ी बूटियां खा खा के, गिलोय खा खा के, तुलसी खा खा के उन्होंने सब चीज़ों को अपने सही कर लिया। तो इसीलिए ये आयुर्वेद जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा, जब कहीं पे कोई विधा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस तरीके की कंट्रोवर्सियाँ होती हैं। डॉक्टर साहब, निशांत जी कह रहे हैं कि आयुर्वेद विदेश में जा रहा है, बाहर जा रहा है, देश से बाहर जा रहा है, देश की चीज़ है। कोर्ट एलिगेशन लगा रही है, कोर्ट ये शिकायत कह रही है कि कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होना चाहिए। अभी आपने भी बता रहे थे, तो वो किस तरह की बीमारियां हैं जिनका कोर्ट कह रहा है कि इनका इलाज या इन पर आयुर्वेद ट्रीटमेंट या और जो थेरेपीज हैं उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, किस तरह की बीमारियां होती हैं? बेसिकली एक वेलफेयर मिनिस्ट्री है हम लोग की, जो हेल्थ से रिलेटेड है। अभी उन्होंने ही बोला है कि लगभग 25 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आयुष के जो चिकित्सक हैं उसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही अनफेयर है आयुष डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग भी वही पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं तो, मुझे तो गर्व होता है कि मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है जहाँ पे हमें पूरा एलोपैथी भी पढ़ाया गया और पूरा आयुर्वेद तो हमने पढ़ा ही है।
तो हम लोग कहीं कहीं भी आयुष जो चिकित्सक है वो कम नहीं है, लेकिन मैंने अभी फिर बोला कि हम लोग कभी भी क्लेम नहीं करते थे कि कोई भी, अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि मैं पहले ये देखता हूँ किस डॉक्टर ने चिकित्सा की है, क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर होगा ना वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं कहेगा कि मैं इस पर्टिकुलर बीमारी की गारंटी लेता हूँ या फिर मैं 100% पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ। हम चिकित्सक होने के नाते हम लोग प्रयास करते हैं पेशेंट किस लेवल का है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 3 लेवल्स पे वर्क करते हैं हम लोग, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। कई बार क्या होता है फिजिकली पेशेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट वो मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी कम होती है। अभी मैं एक ताज़ा एग्जाम्पल दूँ, एक लड़की है जो कि GNM का एग्ज़ाम होने वाले है उसके, उसको सीवियर स्टमक एक है, पेट में दर्द है, कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई भी डॉक्टर्स ये नहीं पहचान पा रहा क्यों हो रहा है, एवरी रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, उसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल, उसका ब्लड टेस्ट नॉर्मल, और उसको बस स्टिल पेन है और पेन किलर्स भी काम नहीं करती। पेशेंट फिर डॉक्टर की मजबूरी है, वो क्या करेगा, उसको कुछ सेडेशन देगा, कुछ सोने की दवाइयाँ देगा, जैसे ही वो उठती फिर दर्द। तो जब मेरे पास आया मैंने कहा कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी वो एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई लेके आ रखी थी, मैंने सिर्फ उसकी 10 मिनट काउंसलिंग करी और 10 मिनट काउंसलिंग के बाद मैंने ये बोल दिया उसके घर वालों को, आप लोग प्रेशराइज मत करो और इस बच्चे को बोलो कि बेटा कोई भी नंबर आएंगे हम आपको डांटने वाले नहीं हैं। और मैंने 10 मिनट उसको मेडिटेशन कराया, उसका दर्द ख़त्म, उसके पेपर भी हो गए अच्छे से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है फिजिकल लेवल पर जब हम कोई चीज़ नहीं ढूंढ पाते तो आयुर्वेद हमको बोलता है कि इसके मन के पास जाओ, इसकी आत्मा में झांकने का प्रयास करो, आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पेशेंट किस लेवल का, अब जैसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, जब तक उनको पता नहीं होता है कि उन्हें कैंसर है तब तक तो एवरीथिंग इज़ ओके, बट जैसे ही उन्हें पता लगता है कि मुझे कैंसर है तो मन कैसा काम करने लग गया कि अब तो मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, क्योंकि कैंसर का मतलब दूसरा पर्यायवाची है मौत, आम भाषा में, आम लोग जो पब्लिक डोमेन में है। तो मन उसी तरीके से काम करने लगता है, तो बॉडी में जो केमिकल चेंजेस आते हैं डॉक्टर साहब अच्छा बता पाएंगे उसमें, हम लोग के हिसाब से क्या होता है कि भय की जब भी अवस्था होती है तब वात बढ़ता है, और वात क्या करता है जब भी बढ़ेगा तो क्या करेगा, अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो सबसे पहले वो आपके धातुओं का शोषण करेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जब धातु खत्म हो जाएंगी तो फिर वो क्या करने लगेगा, प्राण का भक्षण करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है, एलोपैथी एज वेल एज आयुर्वेद, बट पेशेंट किस स्टेज पे आया है, किस मेंटल स्टेटस पे आया है और उसके पूर्व जन्मों के कर्म कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आयुर्वेद में कर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो बोलते हैं कि 2 तरीके के कर्म होते हैं, सद्धा फलित कर्म और संचित कर्म। कई बार क्या होता है कि आप जो किया आपने तुरंत उसका फल मिल गया, बट कुछ संचित होते रहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों में जो आपके पुण्य कर्म है और पाप कर्म है वो कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे ही पुण्य का खाता खत्म पाप का कर्म खाता शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम उस लेवल पे जाके काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं इतनी सारा बंडल्स लेके आते हैं ना, तो हम फिर उसके मन और आत्मा में चले जाते हैं। तो हम लोग सक्षम हैं हर बीमारी, लेकिन थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये लगा मुझे कि ऐसा डिसीज़न लिया गया, क्योंकि मैं भी प्रचारित करता था अपने आप को कि भाई मैं डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करता हूँ, थायराइड का ट्रीटमेंट करता हूँ, लीवर किडनी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करता हूँ, बट इस फैसले के आने के बाद अब मुझे ये सारे अपने जो मेरे फ्लैक्स लगे हैं या फिर मेरे जो क्रिएटिव्स हैं उसको वापस लेना पड़ेगा। निशान जी बहुत अच्छी बात कही, डॉक्टर साहब ने पूर्व जन्म की बात की, उससे एक बात याद आएगी, ये कोरोना से पहले तक सब सही था, कोरोना आया, कोरोनिल आई, उसके बाद रामदेव जी का कोरोना आज तक खत्म नहीं हो रहा है, ये विवाद, विज्ञापन, ये सब क्या था, कैसा विज्ञापन, क्या था ये पूरा मैटर? देखिए साहब, सभी जने जानते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ा कमर्शलाइज इसके पीछे फैक्टर है, क्योंकि ये एलोपैथिक की जो हम बात कर रहे हैं वो केवल उसका ओरिजिन हिंदुस्तान नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत बहुत बड़े मेडिकल जॉइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये जो आपने अभी कोरोना की बात करी, तो जो कोरोना में जिस तरीके से आयुर्वेद ने अपने आप को स्वतः ही सिद्ध करा, ये एक कहीं ना कहीं उसके लिए मैं कहूँगा कि एलोपैथिक को अपनी एक खतरे की घंटी सी बजती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना भविष्य को देखते हुए लोगों को ये एक अंदर से एक डर पैदा हुआ कि ये जो हमने इतने सालों से जो पूरा एक वो बनाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ आगे चल के ना हो जाए। तो ये लड़ाई स्वतः ही इसकी वजह से कि आयुर्वेद और एलोपैथिक को उन्होंने उसको बनाने का एक कोशिश करी गई, जो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है, बट
मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्वामी रामदेव जी ने तो अपनी दवाइयों के माध्यम से और सर्टिफाइड दवाइयों के माध्यम से वो तो किया ही किया, मगर आयुर्वेद ने इस कोरोना काल में और केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के सामने आंकड़ों के द्वारा ये प्रस्तुत किया कि आयुर्वेद एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत कोई भी जना, क्योंकि ये जो हेल्थ में मैंने अभी आपको वर्ल्ड WHO का नाम लिया, ऐसे जितनी भी जो पूरे स्वास्थ्य संस्थाएं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, ऐसी किसी भी संस्था ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और उनके पीछे उसका क्या कारण होगा वो लोग जानते होंगे, बट ये कहीं ना कहीं इस तरीके की वजह रही हैं, क्योंकि सबको अपना मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ एक ड्रॉबैक या कहीं डेंट लगता हुआ दिख रहा होगा कि अगर लोग बाग अपने आप आयुर्वेद के माध्यम से सही कर लेंगे और छोटी छोटी गोलियां खा के, तुलसी गिलोय की गोलियां खा खा के अपनी बीमारियां सही कर लेंगे, तो आगे फिर हमारा दुकान कैसे चलेगी, एक कारण इसके पीछे ये हो सकता है। तो यही सारी वजह है, इसके अलावा क्योंकि देखिए उनके पास बहुत बड़ी पावर है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सब नेटवर्क्स हैं उनके, सब पैसा है, सब कुछ है, तो उनकी ताकत बहुत बड़ी है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हो रही हैं। बट अब चूंकि भारत सरकार भी आयुर्वेद के फेवर में है, और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जब मेरे ख्याल से आयुर्वेद की संस्थाएं हैं जो अब आयुर्वेद के जो पूरी नेशनल लेवल पे जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेंगी, तो सरकार भी इन बातों को सब समझेगी कि हमें किस तरीके से, मगर क्या है कि इसके लिए अब धीरे धीरे करके जो अब रिसर्चें हो रही हैं खासकर जो आयुर्वेद में हो रही हैं, वो रिसर्चें भी अब पतंजलि ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मगर उसके संग संग अब और कंपनियां भी अब इस आयुर्वेद में रिसर्च के ऊपर और उसके ऊपर अपना पैसा और रिसोर्स अपना लगाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि अब उनको इसमें भविष्य दिख रहा है। क्या एलोपैथिक में सच में कोरोना से लड़ने की कुछ कमियां थी, मतलब पूरे हथियार नहीं थे और आयुर्वेद पे थे, हकीकत क्या थी उस समय? देखिए इस चीज़ को तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा डाटा प्रेजेंट नहीं है कि एलोपैथी से ज़्यादा बचे या आयुर्वेद से ज़्यादा बचे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सर्दी जुखाम हुआ घर पे बैठ के ना जांच कराई ना उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, वो भी आज अलाइव है। यहाँ पे जो हमारा विवाद स्टार्ट हुआ था वो एलोपैथी आयुर्वेदी है ही नहीं। अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करेंगे तो यहाँ पे विवाद हमारा स्टार्ट हुआ था कोरोनिल टैबलेट से, जिसके लिए कहा गया था कि ये WHO सर्टिफाइड है या अदर एसोसिएशन सर्टिफाइड है, जो बाद में जो है पतंजलि की तरफ से खुद जो है एक्सेप्ट किया गया कि वो नहीं है। और बाबा रामदेव की तरफ से जो कुछ बयान आए थे जिसका जो है IMA ने विरोध किया था, तो ये सारा मैटर वो है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि आयुर्वेद ज़्यादा सक्सेसफुल रहा या एलोपैथ ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो ये डेटा ऐसा कहीं भी कोई प्रूवन नहीं है। और अगर आप बात करते हैं तो सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स जो है अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम कर रहे थे, डॉक्टर्स ने 24 आवर शिफ्ट्स करी हैं, इवन हमारे पास मेडिसिन की शॉर्टेज थी, मेडिसिन सप्लाई नहीं थी, ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास नहीं थी। आफ्टर दैट अब पैंडेमिक है, पैंडेमिक में हमारे पास जो है 100 ट्रीटमेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कैपेबिलिटी है, वहाँ पे जो है 1000 पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, और उसमें ऑब्वियस है कि मॉर्टिलिटी रेट जो है हाई होगा, और मॉर्टिलिटी रेट हाई होने पे हम इसमें कंपेयर यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि एलोपैथी वाले ने ज़्यादा सर्वाइव किया या होम्योपैथी ने ज़्यादा सर्वाइव किया। यहाँ पे अगर हम तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा बहुत से पेशेंट ऐसे जिन्होंने दवा भी नहीं ली उन्होंने भी सर्वाइव किया हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि इसमें उसका एलोपैथ का बहुत अच्छा रोल रहा कि इसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल रहा है, तो ये कोई इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। कोरोनल से फ़र्क पड़ा, कोरोनल से भी लोग ठीक हुए, ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा। सर मैंने अपने पेशेंट्स को कभी मना नहीं किया कोई भी पैथी लेने के लिए, आपको होम्योपैथी लेना है आप लीजिए, आपको आयुर्वेद लेना है लीजिए, मेरी लाइन एलोपैथी है, मेरा फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट चॉइस मेरी एलोपैथी रहेगी और मैं आपको रिकमेंड भी एलोपैथी ही करूँगा। लेकिन कोरोना के दौरान एक चीज़ तो थी, जब आयुर्वेदिक दवाई ली जाती तो कोरोनल या और उससे रिलेटेड चीज़ें ली जाती थी जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती थी, लेकिन जब हम एलोपैथिक लेते थे तो बहुत हाई पावर की दवाइयाँ दी जाती थी, तो क्या वो शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे अगर हम हाई पावर लेकर चल रहे हैं कोरोना के दौरान या जनरली और चीज़ों के दौरान? सर दवाइयों की अगर हम बात करेंगे तो उसकी डोज जो भी डिसाइड है वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी, तो यहाँ पर हाई पावर लो पावर गर्म दवाइयाँ ये कोई मतलब यहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी दवा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट प्रोवाइड कराई जा रही है, जो हमारा एलोपैथी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर मैं आपको कोई भी एंटीबायोटिक दूंगा आपकी डोज अलग होगी, बच्चे की डोज अलग होगी, अकॉर्डिंग टू वेट मैं आपको जो है मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेडिसिन की चॉइस मेरी आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग है,
अब यहाँ पे बात आती है कि मरीजों में किस में रेमडेसिवीर लगाया गया, किस में नॉर्मल एंटीबायोटिक्स चली है, किस में हमने थर्ड थेरेपी जो है यूज़ करी, किस में ऑक्सीजन की नीड थी, कौन होम ट्रीटमेंट में जो है ठीक हुआ, ये सारा हमारा सीवियरिटी बेस्ड रहता है। तो एलोपैथी में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि दवाइयाँ हमारी हाई डोज चली, दवाइयाँ ज़्यादा चली नो डाउट, क्योंकि हमारे पास सीवियरिटी थी, तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जितनी जो है पेशेंट को नीड थी उतनी मेडिसिन दी गई है। और देखिए हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर जो है वहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही हैं तो कोई भी दवाई 100% सेफ़ नहीं है, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट ऑलरेडी मेंशन हो सकते हैं, आप यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन उन दवाओं ने जो है कोई लाइफ थ्रेटनिंग उसमें जो है रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, वो उसकी कंडीशन पे निर्भर करा कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसके बाद नहीं। बिल्कुल आप लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करी है, ये तो एक हकीकत है, ये भी मानता हूँ और दुनिया भी जानती है कि डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करी जितनी वो कर पाते, क्योंकि 24 घंटे काम करना वो बल्कि 48 घंटे 72 घंटे काम करना एक डॉक्टर के लिए और वो किट पहनकर बड़ा मुश्किल था। लेकिन सही बात है ये बड़ा डॉक्टर साहब, ये जो कोरोनल का विवाद है, ये कोरोनल आप खुद डॉक्टर रहे, आपने कोरोना बहुत सारे पेशेंट ठीक भी किए, तो वो जो लोग ठीक किए आपने वो घरेलू जनरल किचन के अंदर से आई हुई चीज़ों से रेमेडीज से ठीक हुए या कोरोना से ठीक हुए, आपने किसी को कोरोनल रिकमेंड करी क्या, क्योंकि विवाद बेसिकली कोरोनल के चारों तरफ घूमगा। देखिए जितने भी ऑथेंटिक डॉक्टर हैं ना, जैसे अभी बात हुई, वो कभी भी ऐसी कोई भी औषधि नहीं लिखेंगे जो कि फॉर्मुलेटेड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों पर काम करेंगे। एलोपैथिक सिस्टम के लिए हर जो पेंडेमिक आता है ना वो एक नया होता है, बट आयुर्वेद में इसका वर्णन 3000 वर्ष पहले ही कर दिया गया था और उसको जनपद उध्वंस का नाम दिया गया था, यानी कि जनपद का उध्वंस हो जाएगा, उसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म होने का ये उल्लेख था, और उसमें यही बोला गया कि जो आपकी बेसिक पांच भौतिक तत्व जो हैं वो गड़बड़ होंगे, चाहे वो जल कलुषित हो जाए, जब कोलेरा कॉलरा होता था पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो जाता था, आपका जब एयर प्रदूषित हो जाएगा तब ऐसा होगा। तो बेसिकली जब कोरोना था ये एयरबॉर्न डिजीज़ थी, ठीक है, तो ये वायु का जनपद ध्वंस था, और वायु का जनपद ध्वंस जब भी होगा तो शरीर में आपको वात बढ़ेगी, और वात का रास्ता कोई रोकेगा तो वात कभी भी छोड़ता नहीं है, आप कितना भी तूफान को रोक सकते हैं क्या, नहीं रुक सकते। तो हमने उस समय जितनी भी चिकित्सा करी वो कफनाशक चिकित्सा करी, क्योंकि जैसे ही हम जो एयर ले रहे हैं और वो हमारे अंदर जा रही है और वही तुरंत का तुरंत अगर वो निकल जाती है तो वहाँ पे कोई भी रास्ता अगर वो अवरोध करेगा ना तो वहाँ पे क्या करेगा, वायु दूषित हो जाएगी। तो हम कफनाशक चिकित्सा कर रहे थे वहाँ पे, चाहे हम दालचीनी ले रहे थे, तुलसी ले रहे थे, गिलोय ले रहे थे, सारे के काली मिर्च वगैरह जो भी घर में कर रहे थे सब आप देखोगे तो वो उष्णवीर्य की औषधि थी और कफनाशक थी। जब वायु का रास्ता रुकेगा नहीं तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। अब मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारे कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज था, उसकी खासियत ये थी कि हमें पूरा मॉडर्न साइंसेस पढ़ाया गया, नया पेंडेमिक होने की वजह से सारी चीज़ नई थी, कोई भी चीज़ का श्योर शॉट ये नहीं था कि कोई भी, चाहे वो रेमडेसिविर ले लीजिए, स्टेरॉयड जो हम यूज़ कर रहे थे, फिर आइवरमेक्टिन आया, जिंक आया, विटामिन सी आया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों के रिकमेंडेशन आ रहे थे WHO की तरफ से, बट उसके कुछ दिनों के बाद ये आ रहा था कि ये दवा काम नहीं कर रही। उसका कारण यही था कि वहाँ पे ट्रायल चल रहे थे, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं थी आपके लिए, कोई चीज़ आपके सामने एकदम से नहीं आ जाए आप उसको जज ही नहीं कर पाओगे कि मैं इससे कैसे टैकल करूँगा। तो लेकिन हम अपने सिद्धांतों पे काम कर रहे थे, मैंने कोरोनल टैबलेट नहीं प्रेस्क्राइब करी किसी भी पेशेंट में, मैं सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत का काम कर रहा था कि मैं कफ को बैलेंस कर रहा था कि कफ किसी भी तरीके से वात का रास्ता ना रोके। आप देखिए कभी भी आपने जब प्लस्तर होता है अगर वहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा जगह होगा जहाँ पे एयर को घुसने की जगह मिल जाएगी तो एयर क्या करेगी, वो पपड़ी को छुटा देती है, क्यों, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली हमारे अंदर भी होता है, वायु अगर कहीं रुक रही है तो वो उस चारों तरफ के एरिया को सुखा देगी। हो क्या रहा था कोरोनिल में, फाइब्रोसिस ही तो हो रही थी, अंदर फाइब्रोसिस हो रही थी, क्यों, क्योंकि कफ ने वात का रास्ता रोक दिया, तो वात वहाँ पे क्या कर रही थी, पहले तो कफ को ही सुखा दे रही थी, सूख जाओ तुम, उसके बाद वो क्या कर रही थी, जितनी वहाँ पे धातु हैं बेसिकली क्या है, लंग पेरेंकाइमा ही तो है, सुखा दे रही थी। आप जब अंदर वाइट 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 आप पैची वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे आपके सिटी स्कैन में, जिसको हम लोग HT स्कोर कह रहे थे ना, इस तरीके से कह रहे थे कि इनका स्कोर 25 मैक्सिमम 25 था, हाँ सिटी स्कोर मैक्सिमम 25 था, तो हर किसी का इतना ही निकल रहा था 15 से ऊपर। वो क्यों हो रहा था, वो वात क्या कर रहा था, वहाँ पे अवशोषण कर रहा था, सुखा रहा था,
इसी वजह से ऑक्सीजन कम जा रही थी। एग्जैक्टली तो हम लोग सिद्धांतता काम कर रहे थे। मैंने आपको बोला ना, जितने भी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको मिलेंगे वो कभी भी किसी पर्टिकुलर मेडिसिन पे स्टक नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की प्रकृति, अब जो कोई कफ को प्रकृति का है तो उसमें कफ जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन कोई अगर पित्त प्रकृति का उसमें कफ लेट बढ़ रहा है, वात में और लेट बढ़ रहा है, तो हर पेशेंट भी अलग अलग। तो मुझे किसी में वात कफनाशक चिकित्सा करनी पड़ी, किसी में कफनाशक करनी पड़ी, किसी में बहुत ज़्यादा अगर जिसका सीटी स्कोर बढ़ा हुआ है उसको हमने तेल, वो कह रहे हैं कि यार तेल की मालिश, जबकि मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि तेल की मालिश सीने पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, पेशेंट को हमें बचाना है। वहाँ पे भी वो लोग क्या कर रहे थे, पेशेंट को बचा रहे थे किसी भी तरीके से, ऑक्सीजन दे करके, स्टेरॉइड दे करके, नेबुलाइजर दे के। मेरे पास आया, बोला कि वहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा स्नेहांश मतलब आपका सेंधा नमक और तेल का मिक्स करके या फिर घी का मिक्स करके पूरा सीने पे मालिश करके उसकी सिकाई कर रहे थे, क्योंकि हमें किसी भी एनी हाउ वात को शांत करना है, और वात को अगर हम को शांत करना है तो उसकी परम औषधि तेल बताई गई है, तो हम ऐसे पेशेंट को तेल पिला भी रहे थे। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत अलग है, उस वो कभी एक पर्टिकुलर ड्रग तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकती। तो मैंने कोरोनिल नहीं यूज़ किया, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने जो घरेलू, हाँ, जो हमने ट्रीटमेंट किए, मैंने अपने बेसिकली आयुर्वेद की चीज़ों से ही ठीक किया। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि आपने जो आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ें हैं उनको ही उपयोग करने को बताया। अब हम निशांत जी से पुनः पूछते हैं, जानते हैं, क्योंकि कोरोनिल ये पतंजलि स्टोर है और कोरोनिल सबसे ज़्यादा से अगर लोगों ने ली होगी तो यहीं से ली होगी। निशांत जी, ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत सीमित है जी। कोरोनिल कोरोना के दौरान बहुत बिकी उस दौरान, तो क्या ऐसे आंकड़े हैं आपके पास जो ये बता पाएंगे कोरोनिल किससे बिकी? उसके अलावा जो लोग आपके पास आए जिन्होंने कोरोनिल जो लोग लेकर गए उसके बाद वो पुनः आए और उन्होंने आपके कहा, आपसे आके कहा हो कि सर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कोरोनिल से और मैं ठीक हुआ या मेरे परिवार में लोग ठीक हुए, ऐसे क्या आंकड़े रहे उसके विषय में बताएं। देखिए, इसके विषय में मैं सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग उस समय पतंजलि के स्टोर चला रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो जैसे कि सारे लोगों ने अपने अपने शटर गिराए और अपने अपने बंद करे और अपने घर में जाके आइसोलेट हो गए, या तो हम, हमारा निर्णय था या तो हम वो लोग काम करते, मगर हमने इसके विपरीत, और चूंकि बाबा रामदेव ने, स्वामी रामदेव जी ने हम लोगों को प्रेरित किया और हम लोगों के अंदर वो एक ऊर्जा का संचारण किया कि हम लोग आपके साथ में हैं, इस समय ये समय है अपनी और अपने साथ साथ समाज में लोगों के एक सेवा करने का। तो इसलिए इस कोरोना काल में पतंजलि की फैक्ट्रियां मेरे हिसाब से शायद एक भी दिन बंद नहीं हुई, सारा का सारा वहां से हम लोगों को पूरा रेगुलर दवाइयां जितनी भी थी रेगुलर मिली। और उसके लिए मेरे सामने एक प्रबंधक ओनर होने के नाते मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को किस तरीके से सेव करूँ, क्योंकि मेरे पीछे पूरी मेरी टीम चल रही है जो भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ होगा तो वो पहले डीमोलराइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को करते हुए, जो भी आपने कोरोनिल का नाम लिया, मैंने सबसे पहले, क्योंकि जब बाबा रामदेव ने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है तो हम ये मानते हैं, और जब हम वहाँ पे पूरा देखते हैं कि उनके पास पूरा रिसर्च सेंटर है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद उन्होंने जो भी कुछ उसको जब लॉन्च किया तो लॉन्च करने से पहले की जो आवश्यकताएं होती हैं वो उन्होंने करने के बाद ही उन्होंने किया, क्योंकि वो इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इसलिए बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी टेस्ट के ऐसा तो कोई चीज़ लॉन्च कर नहीं सकते। और जैसा कि बात बताया कि आयुर्वेद कभी भी किसी भी रूप में किसी को नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा किसी व्यक्ति के लक्षणों के हिसाब से किसी को कम करे ज़्यादा करे। तो हम, मैंने स्वयं और अपनी पूरी टीम, मेरे दोनों स्टोरों की मिला के 20-25 लोगों की पूरी जो टीम है, मैंने सुबह से लेकर के शाम तक अपने नियम बना करके सबको कोरोनिल टैबलेट, सुबह शाम कोरोनिल टैबलेट, और जो उनकी अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें पूरा श्वास पे काम करना है, तो उनकी एक पूरी कोरोनिल किट जिसके अंदर एक सुसारी वटी होती है वो पूरा सांस पे काम करती है ताकि सांस अवरुद्ध ना हो सके। वात का जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वात रुक के जो सांस के अंदर, क्योंकि सबके फेफड़ों में सांस की जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उससे उसमें बहुत फायदा मिलता था। और तीसरी बात जो सबके सामने आती थी, अभी आपके सामने हमारे और पैनलिस्ट ने बताया कि ये वायु जनित जो है वो रोग था, तो जो वायरस हमारी नाक के माध्यम से अंदर चला जाता है तो उसके लिए एक उनका तेल, अणुतेल आता है, वो नाकों में डाल के हम लोगों ने अपने सुबह से लेकर के शाम तक किया। और इसके अलावा मैंने स्पेशल दो टाइम काढ़ा बना करके अपनी पूरी टीम को, खुद भी लेता था और पूरी टीम को देता था, तो इसके माध्यम से एक भी दिन मेरा पूरा कोरोना काल में, मेरे दोनों स्टोरों में एक भी दिन मेरा कोई स्टोर बंद नहीं हुआ। सुबह से लेकर के जितना भी हमारी ताकत, जितना भी हमारी क्षमता थी, हमने सेवाएं दी। मगर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि कई पेशेंटों ने,
हजारों पेशेंटों ने दोबारा आकर के वो मेडिसिन दोबारा ली, तो ये तभी हो सकता है कि जब उनको उसका खुद लाभ मिला हो। आज तक आपके पास डेटा है, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने आकर के ये क्लेम करा हो कि मेरे को जो है सो सारी वेटी लेकर के मुझे कोई नुकसान हो गया हो या मुझे ऐसा डैमेज हो गया हो या मेरा ऐसा हो गया हो। कोई भी ऐसा डेटा अब तक, कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसा अब तक कहीं पर भी प्रूव नहीं। तो जिसको फ़ायदा हुआ उसने खाई और अपने आप उन्होंने उसका लाभ लिया और पूरे परिवार को फायदा हुआ, कोरोना से सबको 100% फायदा, 100% फायदा हुआ। अब बात घूमकर यही आती है कि कोरोनिल की बात से बात शुरू हुई थी, चूंकि ये पूरा का पूरा प्रकरण कोरोनिल के इर्द गिर्द घूम रहा है। हकीकत ये है कि कोरोनिल की दवा, जैसे सर ने बताया निशान जी ने, कि कई लोगों ने ली और ठीक हुए। मैं स्वयं का अगर अपना उदाहरण दूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने कोरोनिल का पूरा एक सेट लिया था और उसको भी मैंने उपयोग करा, साथ ही साथ मैंने एलोपैथिक दवाइयों का भी एक पूरा सब लिया था, सारा का सारा पैकेट, और उससे भी मुझे लाभ हुआ दोनों चीज़ों से। तो कुल मिला के ये है कि पैथी सारी बेहतर है, सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य हों चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, वो सब अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय, पूरी एनर्जी, सब कुछ उन्होंने अपना लगा दिया था कोरोना के समय, कोरोना से लड़ने में अपने अपने तरीके से। सब लोग कोशिश कर रहे थे क्योंकि सबका ध्येय एक ही था, मानव जान को बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है। अब बात यह आई है कि ये जो विवाद उपजा हुआ है, ये विवाद कोर्ट और पतंजलि के बीच है। ये विवाद क्यों उपजा ये तो कोर्ट जाने और पतंजलि जाने, लेकिन कुल मिलाकर हकीकत यह है कि जितनी भी पैथियां हैं वो हर हालत में इंसान को लाभ पहुंचाती हैं, लाभ देने के लिए होती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे वो होम्योपैथिक हों। आज का हमारा चर्चा का विषय यही था कि बाबा रामदेव का ये जो प्रकरण चल रहा है इस पर हम थोड़ी प्रकाश डाल पाएँ, हम लोग कोशिश कर पाएँ कि बरेली में बैठे हुए डॉक्टर्स या बरेली में बैठे हुए ये जो गणमान्य लोग हैं, ये इनका विज़न क्या कहता है। आप लोगों ने इतनी सारी बातें जानी आज, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आप लोग भी हमें बताइए कि क्या ये जो विवाद उपजा हुआ है, इस विवाद को इस तरह से उलझना चाहिए था, क्या ये उलझने का एक विषय है? अगर नहीं है तो अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, अगर है तब भी आप मतलब लिखने के लिए अपनी बात ज़रूर रखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं अंत में धन्यवाद दूंगा निशान जी का, जो कि पतंजलि स्टोर चलाते हैं बरेली में स्टेडियम रोड पर, और साथ साथ डॉक्टर दिनेश विश्वास जी जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और के हॉस्पिटल के सामने इनका अपना क्लिनिक है, वहाँ पर ये मिलते हैं, और साथ साथ मयंक सक्सेना जी का जो कि एलोपैथिक है। तो इन तीन, आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार, तीनों लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारी जानकारी दी और निसंदेह हमारे दर्शकों को इससे लाभ होगा, और कम से कम वो इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बचेंगे कि कौन सी पैथी बेहतर है। जो आपके शरीर को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो आपके शरीर को सूटेबल हो वो पैथी आप लीजिए, और दिमाग में रखिए कि वो पैथी आपका लाभ कर रही है, आपके लिए अच्छा कर रही है। आप अवश्य सही होंगे, मन से ठीक होंगे, तभी तन से ठीक हो पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमने सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।